एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए फाइनल और बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की विदेश नीति। परीक्षा की दृष्टि से, आपके कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से और आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, तो ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉशसनेस के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को होता है। 26 जनवरी 1950 को हम एक गणतंत्र बनते हैं। पर ध्यान रखिएगा, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जो 1947 से 1952 तक अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में सक्रिय रहे, और उसके बाद 1952 में जब लोकसभा के पहले चुनाव होते हैं तो वो देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री भी बने। विदेश नीति जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, भारत की विदेश नीति, तो ये किसी एक तत्व या किसी एक समुच्चय का प्रतीक नहीं होती। बहुत सी चीज़ें, बहुत से विचार, बहुत सी अवधारणाएँ, योजनाएँ, कार्यक्रम इसमें शामिल होता है, लेकिन एक चीज़ जो प्रत्येक देश की विदेश नीति का बुनियादी सूत्र है वो है राष्ट्रीय हितों का रक्षण या उन्हें प्राप्त करने की कोशिश। और भारत भी इससे अलग नहीं था। भाई क्यों होता? हमें भी अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम एक संप्रभु देश हैं और हमारी संप्रभुता ये घोषणा करती है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय करने के लिए आज़ाद हैं। इससे पहले मैं आपको सितंबर 1946 में लेके चलूँगा, यानी आज़ादी से कुछ पहले, करीब 9 महीना पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू ये कह रहे हैं कि भारत की जो भविष्य की विदेश नीति होगी स्वतंत्र होगी, किसी गुट में शामिल नहीं होगी, और भारत सार्वभौम सद्भाव और सार्वभौमिक संप्रभुता का सम्मान करेगा। आप इस बात का ध्यान रखें, किसी भी देश का जो राज्य प्रमुख है वो उस देश का राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, या कोई, कई देशों में आज राजतंत्र भी है, वहाँ का सुल्तान या वहाँ का शहजादा हो सकता है। वो जब घोषणा करता है तो वो दरअसल उसकी होने वाली राजनीति का एक विज़न होता है कि भविष्य में यदि वो सत्ता में आता है या उसकी पार्टी सत्ता में आती है या वो किसी भी कारण सत्ता हासिल करता है, तो इस विषय पर उसके विचार ये रहने वाले हैं। अब हम भारत की विदेश नीति की विशेषताओं पर आएँ, उससे पहले हम उन तत्वों की बात करेंगे जो विदेश नीति के निर्माण तत्व माने जा सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, और यदि आप राष्ट्रीय हितों को श्रेणीबद्ध करें, कैटेगराइज करें, कोई एक नहीं होता, बहुत से राष्ट्रीय हित होते हैं, लेकिन जो प्राथमिक राष्ट्रीय हित है वो है सुरक्षा को स्थिर रखना। याद रखिएगा, भारत के लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90 साल आपने विदेशी दास्ता में बिताए हैं। मैं उससे पहले की बात नहीं कर रहा, 1857 की क्रांति के बाद जब भारत को ब्रिटेन ने सीधे अपने अधीन लिया, तो ये 90 वर्ष जो बीते हैं, यहाँ पर हम एक दुनिया की महाशक्ति, जो उसमें एक बात कह सकते हैं हम, उसके उपनिवेश हैं और हमारा हर किस्म का शोषण हो रहा है, उससे इस 90 वर्ष यानी लगभग एक शताब्दी के शोषण को हमने देखा है, बर्दाश्त किया है, महसूस किया है, और अब हम अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरा तत्व भौगोलिक क्षेत्र। सुरक्षा के बाद जो विदेश नीति का मुख्य निर्धारक तत्व होता है वो होता है आपकी भौगोलिक स्थिति या आपकी ज्योग्राफिकल पोजीशन या सिचुएशन। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखिएगा, आपके आसपास कौन से देश हैं, उनसे आपके संबंध कैसे हैं और कैसे हो सकते हैं, इन सबके आकलन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। भौगोलिक स्थिति दरअसल
आप लोगों ने जब बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीति विज्ञान के अन्य विषयों से संबंध पढ़े होंगे, तो उसको आप अतीत के अपने उस दो साल पहले पढ़े गए चैप्टर्स को याद कीजिए। भूगोल के संबंध, भूगोल के साथ आपके आसपास कौन से मुल्क हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, आपसे संबंध दोस्ताना है या शत्रुतापूर्ण, इस निर्भर करता है आपकी भौगोलिक स्थिति के ऊपर। तो इस दृष्टि से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के विदेश नीति का एक मुख्य निर्माणक तत्व है। आप देखिए, क्योंकि चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत सामान्य नहीं रहे, शुरुआत में रहे होंगे लेकिन बीच में उतार चढ़ाव आते रहे। पाकिस्तान से तो स्थायी रूप से खराब चले हैं, लेकिन चीन के साथ भी हमारे संबंध हिंदी चीनी भाई भाई से 62 के युद्ध तक पहुंचे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जो चीन के साथ सीमा पर तनाव चल रहे हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होते, हालात से विदेशी नीति तय होती है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो विदेश नीति का एक मुख्य निर्धारक तत्व मानी जा सकती है और है। अगला बिंदु है गुटनिरपेक्षता। देखिए ये महत्वपूर्ण है, आप किसी संधि के सदस्य बनते हैं, विशेष तौर से आप ध्यान दीजिएगा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लगभग 50 से ज़्यादा नए देश आज़ाद किए गए थे जिन्हें पॉलिटिकल साइंस की भाषा में नव स्वतंत्र राष्ट्र कहा गया। अधिकांशतः उपनिवेश थे, एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्री गुलाम रहे लंबे समय तक, सबके समय अवधि अलग अलग थी पर गुलाम रहे थे, आज़ादी को स्थिर रखना चाहते हैं। और क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध से भी पहले शीत युद्ध शुरू हो चुका है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, 45 के बाद वो गुट बन जाते हैं, तो सैनिक संधियों के माध्यम से अपने अपने गुटों में आकर्षित करने की कोशिश की गई और संधियां की भी गई। सीटो, सेंटो, वारसा, ये दुनिया भर के उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सैनिक संधियों के माध्यम से भी देशों को गुटों में शामिल किया गया और उनकी संप्रभुता पर एक पश्चिमवादी चिन्ह लगा। भारत शुरू से कह चुका है आज़ादी से पहले भी कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं होगा, चाहे वो उदारवादी हो अमेरिका के साथ वाला या वो साम्यवादी या समाजवादी सोवियत संघ के साथ वाला हो। दोस्ती हमने सबसे रखी लेकिन हम किसी गुट में शामिल कभी नहीं माने गए। आगे चलें, गुटनिरपेक्षता। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, प्रशंसा और आलोचना पॉलिटिशियंस की होती है और होगी। आप सारे अच्छे कार्य करें संभव नहीं, सारे बुरे हों संभव नहीं, लेकिन हाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता नेहरू का मौलिक योगदान माना जा सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्योंकि यदि आप किसी एक गुट में शामिल होते तो दूसरा आपको अपना स्वाभाविक शत्रु मानता और आपको ज़रूरत दोनों की है, आपको क्योंकि आप एक नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, आपकी आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक और तकनीकी क्षमताएं समान नहीं हैं, आपको दोनों ही जो समूह हैं गुट हैं उनके देशों की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी और आज भी है। तो यहाँ पर हमने इस नीति को अख्तियार किया कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और इसका फ़ायदा हमें ये मिला कि हमें दोनों ही समूहों से अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण करने का मौका मिलता रहा। आगे चलें, विचारधाराओं का प्रभाव। क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने हैं और उन पर एक समाजवादी रुझान है, उनके भाषणों को उनके कार्यक्रमों को योजनाओं को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि समाजवाद की तरफ नेहरू का रुझान स्पष्ट था। पर परेशानी ये थी कि उदारवादी ये मानते थे कि इसका मतलब ये सोवियत संघ के गुट में शामिल है, ये हमारे साथ नहीं है, जबकि वास्तव में ऐसा था नहीं। अब इन दोनों विचारधाराओं के बीच में समन्वय बैठाना ये बहुत 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 क्षमता वाला कार्य था जिसको नेहरू किसी हद तक संपन्न कर पाए। और भारत की विदेश नीति में समाजवाद के प्रति रुझान ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। अगला बिंदु है आर्थिक तत्व। देखिए किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो उसकी विदेश नीति का एक निर्माणक तत्व मानी जाती है। वजह स्पष्ट है कि आपके आर्थिक संसाधन, आपकी योजनाएं, आपका विकास, आपके कार्यक्रम, आपकी नीतियां,
ये सब इस पर निर्भर करते हैं कि आप रिसोर्सेज कितने हैं। भारत तब भी और आज भी, हमारे पास मानवीय रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन और जो विकास को आगे बढ़ाने वाले संसाधन हैं, मसलन पेट्रोल, इसमें हम काफ़ी पीछे हैं। आज भी बहुत अच्छा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें ऊर्जा की संभावनाएं चाहिए वो हमारे पास उतनी नहीं है। इस पर हम पश्चिम पर निर्भर हैं और इसके लिए हमने दोनों ही समूहों से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय का एक ढांचा तैयार किया, जिस पर हम आज तक चल रहे हैं। धन्यवाद।